हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफ एंड टेस्टी फूड में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अनीता आज फिर आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ इसका नाम है पंजीरी। एक्चुअली ये वीडियो मेरी फ्रेंड के घर में शूट हुआ है, ये रेसिपी मुझे उसी ने बताई है, उसी के यहाँ ये रेसिपी बनी है, तो हम लोगों ने इसको मिलके बनाया है और सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का यूज किया है। मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं, एक बड़े बाउल भर के मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं। मैंने किशमिश लिया है, छोटी कटोरी से मैंने एक कटोरी किशमिश लिया है, और काजू लिए हैं मैंने छोटी कटोरी से एक कटोरी, मैंने एक काजू भी लिए हैं। यहाँ पे मैंने गोंद लिया है, ये आधा कटोरी के आसपास से, आप चाहें तो थोड़ा इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और एक नारियल है जिसको मैं कद्दूकस करके यूज़ करूँगी। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, यहाँ पर मैंने 2-3 स्पून के आसपास घी लिया है, ये देसी घी है। इसको आप घी में बनाएं तो ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गोंद को भून लूँगी। तो गोंद को आपको हाई फ्लेम में नहीं भूनना है, इसको मीडियम फ्लेम में भूनना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो ये अच्छे से नहीं, बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए गोंद भी हमारे भून के रेडी हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम बाकी की जो चीज़ें हैं उसको भी धीरे धीरे करके फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं काजू भी भून लूँगी, काजू को भी जो ऑयल घी बचा था मैं उसी में काजू भी फ्राई कर लूँगी। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, आप चाहें तो इसमें अखरोट, बादाम और भी चीज़ें मिला सकते हैं। जो खरबूजे के बीज आते हैं वो भी इसमें बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। बट हमारे पास जो सामान था हमने उसी से बनाया है, तो इसी कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं थी, अचानक से प्रोग्राम बना। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप इसमें खरबूजे के बीज, बादाम ये सब चीज़ें डाल के बनाइए, तो ये बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी भी होगा। जो प्रेग्नेंट लेडी वगैरह हैं, जो फीड कराती हैं, उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद। अब थोड़ा सा घी और लेकर उसी में मैंने ये मखाने भी भून लूँगी। मखाने भी अच्छे से मीडियम फ्लेम में भूनने हैं, बहुत हाई फ्लेम मत रखिएगा नहीं तो मखाने आपके जल जाएंगे। मखाने भून के हमारे रेडी हो जाएंगे। भूनने से क्या होगा, एक तो फ्लेवर भी चेंज रहेगा, दूसरा ये बहुत आसानी से हमारे पीस भी जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मखाने भी निकाल लेती हूँ भून के। अब नारियल जो मैंने कद्दूकस किया था उसको भी मैं भून लूँगी, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी ऑयल होता है तो हमें अलग से घी में भूनने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। नारियल की क्वांटिटी बट यहाँ पे कम है, क्योंकि जो नारियल था उसमें से आधा नारियल ख़राब हो चुका था, तो आधा जो नारियल था वही मैंने कद्दूकस किया है। आप इसमें नारियल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। किशमिश को मैंने नहीं भूना है, आप चाहें तो उसको भी भून सकते हैं, बट मैं किशमिश को ऐसे ही मिलाऊँगी। यहाँ पर मखाने मैंने पीस लिए हैं, जो मखाने साबुत रह गए थे उसको भी मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। बाकी ये मैंने जो काजू और गोंद था उसको भी पीस के रेडी कर लिया है और मखानों के साथ ही मिला लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें मिला लेंगे। ये मैंने जो कद्दूकस किया हुआ नारियल था वो भी इसमें मिला लेंगे। बाकी किशमिश भी मैंने इसी में मिला लिया है। अब हम चीनी की चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए वहाँ पे मैंने इसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी ली है, बहुत कम मीठा मैंने रखा है। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप 2 कटोरी से ज़्यादा चीनी लीजिएगा, 1 कटोरी और एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसको हम पकाएँगे। हमें इसकी 1 तार की चाशनी रेडी करनी है, 1 तार की चाशनी होने पर ही फिर हम इसमें सारे चीज़ों को मिला लेंगे। बहुत से लोग होते हैं कि इसको पंजीरी को ऐसे ही खाते हैं, मतलब बिना चाशनी बनाए,
ऐसे ही अगर आपको खाना है तो आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं, किसी एयर टाइट में रख के रख लीजिए और आप उसे जब चाहना हो चम्मच से एक दो स्पून खाइए, ये बहुत हेल्दी होता है ऐसे भी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इलायची भी मिला ली है कूट के, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में यहाँ पे मैं इसमें मिला दूँगी केसर के 3-4 धागे, जो वीडियो मेरा मिस हो गया था ये देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने केसर के 3-4 धागे भी मिलाए हैं। चीनी का पानी हमारा खौल रहा है अच्छे से, जब तक इसमें एक तार की चाशनी रेडी ना हो जाए हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। यहाँ पे मैंने थाली रेडी कर ली है जिसमें मैं बर्फ़ी जमाऊंगी, तो इसमें मैंने एक घी लगा लिया है जिससे कि हम आसानी से कट करेंगे तो आराम से पंजरी निकल जाएगी। ये देखिए एक तार की चाशनी बनके रेडी हो चुकी है। अब जो मैंने पीस के सामान रेडी कर रखा था वो भी इसमें मिला लेंगे। ये प्रोसेस हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें इसको फटाफट, ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना होता है क्योंकि अगर ये सीमें टाइट होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत टाइट हो जाएगी हमारी ये पंजरी। फटाफट से हम इसको मिलाकर थाली में निकाल लेंगे। और इसको जमने के लिए रख देंगे, हम इसको 1-2 घंटे ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद इसको कट करेंगे। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं या चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप खाना खाने के बाद या ऐसे किसी को खिलाइए ये। आप ये देखिए इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया है, आप इसको मन चाहे आकार में कट करके रखिए। आपकी पंजीरी बनके रेडी हो चुकी है। आई होप ये आपको बहुत पसंद आएगी, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा और नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।